नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हिंदू युवा जनजाति संगठन का रविवार दोपहर को इंदौर के रंजीत हनुमान जी मंदिर के पीछे मैदान में भव्य आयोजन हुआ, जहां प्रदेश की कार्यकारिणी समिति की घोषणा की गई। इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर के पीछे चांदमारी कंपाउंड के ग्राउंड में रविवार दोपहर को हिंदू युवा जनजाति संगठन की प्रादेशिक कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर एक आयोजन हुआ, जहां प्रदेश व राष्ट्रीय पदाधिकारी आयोजन में मुख्य रूप से अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, दिलीप चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजक दिनेश डोडिया ने बताया कि इन दिनों प्रदेश में धर्मांतरण बड़े स्तर पर चोरी छुपके हो रहा है। इसे रोकने और धर्म की रक्षा के लिए हिंदू युवा जनजाति संगठन काम कर रहा है। आयोजन में प्रमुख रूप से पान सिंह सिसोदिया, कमल डामोर, दीपेंद्र जमरा, सरदार डाबर, पिंटू डोडिया, अजय आसलकर, संदीप बघेल, सुमित बघेल सहित कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मैं दिनेश डोडिया, हिंदू युवा जनजाति संगठन इंदौर जिला अध्यक्ष। ये आयोजन हमने हमारे सामाजिक हित के लिए रखा है, जैसे कि बहुत सारी परेशानियां रहती है। हमें यहाँ पर इंदौर में रहकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे छात्रों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, बहुत अभी कॉम्पिटिशन में जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, धार, खबुआ, अलीराजपुर, मेघनगर, खंडला, जितने भी हमारे झाबुआ जिले के लोग या कहीं से भी आते हैं, उनको रहने के लिए मकान नहीं रहते या सुविधा नहीं रहती है। इस कारण बहुत सारे बच्चों का परीक्षाएं छूट जाती हैं, कोई बहुत सारे छोरे परीक्षाएं नहीं दे पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे अलीराजपुर के पूर्व विधायक जी आए हैं, उनसे थोड़ी सी मांग है कि हमारे इंदौर में, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की सबसे बड़ी धर्मशाला हो इंदौर में, ये मेरी मांग है। और आदिवासी के लिए और कुछ जो भी सुविधाएं दिनेश डोडिया, हिंदू युवा जनजाति जिला अध्यक्ष इंदौर। हिंदू युवा जनजाति क्या आयोजन है आज यहाँ पर आए, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं हिंदू युवा जनजाति संगठन के यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, ये आदिवासी जिले हैं और यहाँ पर आदिवासी समाज के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं। जैसा आप देखते होंगे कि इन जिलों में जो आदिवासी गरीब भाई बहन रहते हैं, वहां पर एक धर्मांतरण का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर हिंदू युवा जनजाति संगठन आदिवासी समाज के बीच में जाकर हिंदू समाज और आदिवासी को जनजागरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में विदेश की जो शक्तियां हैं, वामपंथी दल है, जो हमारे आदिवासी भाई और बहनों को लालच देके स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे धर्मांतरण करने की जो साजिश चल रही है आदिवासी जिलों में, उसको हिंदू युवा जनजाति संगठन के माध्यम से रोकने का प्रयास करेंगे। उसमें हम सब लोग आदिवासी होने के नाते इस संगठन के पीछे हम सब लोग हैं। भाई साहब, आप विधायक भी रह चुके हैं और सत्तादल से हैं, क्या कहेंगे? महंगाई बहुत चरम सीमा पर हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान में किसान फसल का अच्छा दाम मिले, एक तरफ महंगाई। अब मुझे ये बताइए, आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अगर जनता से अगर सरकार टैक्स वसूलेगी तो जनता के विकास कैसे होगा? आज पेट्रोल की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि 2014 में पेट्रोल 80 से 82 रुपए था। अगर इसी जगह पर अगर कांग्रेस की सरकार होती तो यही पेट्रोल 120 से 25 रुपए लीटर बिकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसको रोक के आज भी रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश के अंदर
वाहनों की संख्या बढ़ी, मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ी है, तो डीजल और पेट्रोल के भाव तो बढ़ना आम बात है और उसमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे बात अगर आदिवासी समाज की बात की जाए, कार्यक्रम के आयोजन भी उसी का है, वैसे आदिवासी समाज इतना इतना आयोजन होते हैं, इतना पैसा आता है, सब कुछ होता है, लेकिन पिछड़ा हुआ क्यों है आज भी सर? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज आज कमजोर नहीं है। अगर आपको कमजोर देखना था तो 2003 के पहले आदिवासी भाई के मकान के ऊपर, किसी आवास के ऊपर छत नहीं थी, लेकिन आज आदिवासी क्षेत्र में आप जाके देखिए, आदिवासी का आज हर एक मकान छत के पक्के बन रहे हैं। तो आदिवासी आज कमजोर नहीं है। आज मध्य प्रदेश की सरकार के साथ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जितनी योजनाएं हैं, आज उसका लाभ उठाकर आज हमारा आदिवासी भाई सक्षम हो रहा है। और आज देख लो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक जमाने में आदिवासी भाई के पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ था। अगर आदिवासी भाई किसी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाए तो अपने आपको इतनी खुशी मनाता था कि नहीं, आज तो मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के घूम रहा हूँ। आज आप सामने देखिए, सारी आदिवासी गाड़ियाँ शहर वालों की गाड़ियाँ नहीं। आज आप अलीराजपुर जिले में जाइए, झापा जिले में जाइए, हर आदिवासी के घर के सामने 2-व्हीलर 4-व्हीलर खड़ा और मकान पक्का दिखेगा। आज आदिवासी को हमने बिजली दी, हमने सड़कें दी, आज आदिवासी समाज को शिक्षित, आप शिक्षित हो ना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2003 के पहले शिक्षा का कोई विस्तार नहीं, बिजली का कोई विस्तार नहीं, सड़कों का कोई विस्तार नहीं, लेकिन आज मुझे कहते हुए मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार है, जिसके कारण हमारा आदिवासी भाई गरीब आज आगे बढ़ रहा है। थैंक यू।